और इसी के साथ अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कोटा के दौरे पर रहने वाले हैं और इसी को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोटा के दौरे पर आज रहने वाले हैं और सुबह 11 बजे कोटा एयरपोर्ट में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच जाएंगे, यानी कि अब से कुछ ही देर में। और डीसीएस रोड पर होटल में दो महत्वपूर्ण बैठक जेपी नड्डा की ओर से ली जाएगी। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोटा के दौरे पर आज रहने वाले हैं और इसको लेकर यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 11 बजे कोटा एयरपोर्ट पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या अपडेट सामने आ रहा है जेपी नड्डा के कोटा दौरे को लेकर? अगर बात की जाए तो राजस्थान प्रदेश में चुनावी दौर चालू है और चुनावी दौर के साथ ही बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो कोटा पहुंच रहे हैं। आज 11 बजे एयरपोर्ट पर वो पहुंचेंगे और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद में निजी होटल में यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। साथ में सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरह से प्रदेश में चुनाव है और बीजेपी में जिस तरह का घमासान मचा हुआ है, उस तरह से कहीं ना कहीं पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनमें असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो उस सामंजस्य को बिठाने के लिए यहाँ पर जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए कोटा की, तो कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र हो चाहे कोटा बारा झालावाड़ संसदीय क्षेत्र हो, दोनों संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ता यहाँ पर बुलाए गए हैं। पहली बैठक में यहाँ पर 9 विधानसभाओं के कार्यकर्ता और पदाधिकारी सम्मिलित होंगे और साथ में जो दूसरी बैठक होगी उसमें 8 विधानसभाओं के कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी को एकजुटता का जो संदेश देने की कवायद जो चल रही है उसको कहीं ना कहीं जेपी नड्डा यहाँ पर सार्थक करते हुए दिखाई देंगे। जी जी, तो जेपी नड्डा के इस दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है, बीजेपी के पदाधिकारी यहाँ पर तमाम जो है एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और जेपी नड्डा का स्वागत करेंगे। साथ में ही जो बीजेपी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, वो यहाँ पर पहुंचेंगे और कई पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। साथ में ही जो राजस्थान के प्रभारी हैं अरुण सिंह भी यहाँ पर पहुंचेंगे और जेपी नड्डा का यहाँ पर स्वागत करेंगे। फिलहाल अगर हाड़ौती की बात की जाए तो हाड़ौती में बीजेपी का अभी तक एक भी टिकट फाइनल नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन टिकाऊ और मजबूत कैंडिडेट है जो विधानसभा में बीजेपी को जीत दिला सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कोटे का जो दौरा है ये काफी अहम देखने को मिलता है और इस दौरे के बाद में जिस तरह से टिकट की जो कवायद के लिए जो लोग लगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं एक मूवमेंट बनेगा और उस मूवमेंट के साथ ही यहाँ पर जो टिकट के दावेदार हैं वो अपनी सरगर्मियां तेज करेंगे। जी जी, तो नड्डा के अगर दौरे के स्केड्यूल की बात करें तो कब कब कहाँ वे शामिल होंगे, किस किस कार्यक्रम को वे संबोधित करेंगे? जेपी नड्डा का जो कार्यक्रम है वो एयरपोर्ट से सीधे निजी होटल जाएंगे और निजी होटल के बाद में यहाँ पर 1 बजे एक पहली बैठक लेंगे जिसमें 8 विधानसभाओं के कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे और जो दूसरी बैठक होगी उसमें 9 विधानसभाओं के कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। एक बैठक में 108 पदाधिकारियों को यहाँ पर रखा गया है और जो दूसरी बैठक है उसमें 142 पदाधिकारियों को यहाँ पर रखा गया है। तो सबसे यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जो जेपी नड्डा है वो सबसे 1-to-1 संवाद करेंगे और संवाद के साथ साथ ही टिकट पर चर्चा भी यहाँ पर होगी, क्योंकि टिकट पर चर्चा होना काफी अहमियत है। क्योंकि अगर बात की जाए तो जिस तरह से बीजेपी मध्य प्रदेश में रणनीति बना रही है कि वहां पर जो सांसदों को टिकट दिए हैं उसी तरह की कवायद राजस्थान में भी देखने को मिली। पहली जो सूची आई थी उसमें 7 सांसदों को यहाँ पर विधानसभा चुनाव के मैदान पर उतारा गया है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि राजस्थान के हाड़ौती प्रदेश में हाड़ौती अंचल में भी यहाँ पर सांसदों की जो भूमिका होगी वो काफी अहम होगी और कार्यकर्ताओं से जिस तरह से 1-to-1 संवाद होगा उसके बाद ये देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो टिकट की कवायद है वो पूरी तरह से सार्थक हो जाए। और यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा कि जिस तरह से जो दावेदार हैं वो लगातार अपनी भीड़ को एकजुट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो एयरपोर्ट पर है हलचल देखने को मिलेगी, मगर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर यहाँ पर भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राजेंद्र। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर जेपी नड्डा आज कोटा के दौरे पर रहने वाले हैं और इसके साथ ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोटा के दौरे पर आज रहने वाले हैं
सुबह 11 बजे कोटा एयरपोर्ट पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे।